आई होप दै पीपल आर डूंग प्रैक्टिस और आप लोग जो है काफी अच्छे से जोरों शोरों से आप अपना तैयारी कर रहे हैं आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी जोरों शोर से दट इज वट आई एम होपिंग अबाउट बट बिफोर प्रोसीडिंग मी टेल येरी इंपॉर्टेंट थिंग डी एर स्टूडेंट्स यू कैन गो फॉर द टेस्ट बुक पास सो वी हैव वन पास फॉर मोर दें हंड्रेड प्लस कोर्सेज यू विल बी गटिंग एन एक्सेस टू सिक्स थाउंड फाइव हंड्रेड प्लस मार्क टेस्ट अलऑफ सिलेक्शन वी हैलरेडी मेड इन डिफरेंट कॉम्पिटेव एग्जाम्स एंड यू विल ऑल्सो बी गटिंग अ गुड एग्जाम स्ट्रेटी एज वेल द एसपर्ट गाइडेंस

डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पे जाकर यू कैन गेट द कोर्स फॉर यू एंड इट इज अ पेड कोर्स बट यू कैन डू वन थिंग यू कैन एंटर द स्कूपन कोड दैट इज वरुण एंड अ कैपिटल ऑफ के टू गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ अराउंड ट्वेंटी सिमिलर स्टूडेंट्स अगर आपको एस एस सी जेई की तैयारी करनी है एग्जाम इज वेरी नियर लेकिन फिर भी अगर आपको एस एस सी जेई की तैयारी करनी है किसी स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉम्पिटिव डिस्क्रिप्शन so में आपको एक लिंक दिया होगा डिटेल्स कर फिल करके और आप अपने लिए कोर्स ले सकते हैं एंड ऑल्सो इट इज अ पेड कोर्स बाय द वे बट यू कैन एंटर दिस कूपन कोड वरुण एट कैपिटल ऑफ के टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड ट्वेंटी डे इंटरनेशनल वीमेंस डे सो वी हैव लॉन्च अ वेरी गुड स्कीम विच इज कॉल्डी दिस इज फॉर दल द गर्ल्सिंग फॉर दाम हू वॉन्ट टू यू कैन से गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब सो आप जो है एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है Uh, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जिस भी uh, जिस भी लड़की का uh, एक अच्छा रैंक आएगा सो शी विल गेट एन ऑपॉर्चुनिटी टू गेट ऑल द कोचिंग फॉर फ्री और उसके अलावा भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं उनके लिए जिनका इसमें टॉप रैंक आता है चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लॉन लल्ट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू आप लिस्ट वन को आपको लिस्ट टू से मैच करना है कौन मुझे इसका आंसर बताएगा चलिए हो जाइए स्टार्ट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो नहीं होगा अभी फैजल अभी तो गुड इवनिंग हो गया चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए लिस्ट वन को लिस्ट टू से आपको मैच करना यू हैव टू मैच दिस लिस्ट लिस्ट विद ट्यूब किसके काम आती है वेलोसिटी मेजर करने के किसकी हेल्प से स्टेगनेशन प्रेशर की हेल्प से राइट right? ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं माइक्रोमेनोमीटर क्यों काम आता है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए या डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करने के लिए माइक्रोमैनोमीटर को वेल टाइप मेनोमीटर भी बोलते हैं थर्ड वन इज पाइप बेंड मीटर तो पाइप बेंड मीटर किसके काम आएगा स्टूडेंट्स इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज को मेजर करने के काम आता है ठीक है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मैंने आपको सारे दिए ऑलमोस्ट एनबीडी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर ए का चार ठीक है बी का टू बी का टू बी का टू तो नहीं होगा बी का टू 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 नहीं होगा स्टूडेंट देखिए मैं आपको बताता हूं दोबारा देखिए जरा ध्यान से सो so, ए का तो फोर हो गया ए का तो सबको समझ में आ गया कि हाँ चलो स्टेग्नेशन प्रेशर ये माइक्रो मैनोमीटर देखो नाम में लिखा हुआ है मैनोमीटर तो मैनोमीटर किसके काम आता है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने का काम आता है या प्रेशर मेजर करने का काम आता है माइक्रो मैनोमीटर को वेल टाइप मैनोमीटर भी बोलते हैं अगर आपको ध्यान हो जब आपने फ्लू मैकेनिक्स में पढ़ा होगा तो एक इस टाइप का मैनोमीटर आपको दिखा होगा यहां पर वेल टाइप का बना होगा ऐसे कुछ करके क्लियर और ऐसे आपका यहां पे फिर आपका ये पाइप में कहीं पे ऐसे कुछ होगा ठीक है ओके इसको हम बोलते हैं वेल टाइप ऑफ मैनोमीटर पूरे मैनोमीटर को बोलते हैं वेल टाइप मैनोमीटर या फिर इसको माइक्रो मैनोमीटर भी बोलते हैं किसके काम आएगा स्टूडेंट्स ये ऑब्वियसली ये प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का काम आएगा तो बी का आंसर हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा येस yes, बी का हो जाएगा थ्री सो बी का हो गया थ्री ए का हो गया फोर पाइप बेंड मीटर इसको हम एल्बो मीटर भी बोलते लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है और डिस्चार्ज बोले तो रेट ऑफ फ्लो के काम आता है सो दैट इज वॉट द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज बच्चा वॉल टैप वॉल प्रेशर टैप तो ये जो है आपका फ्लो स्टेटिक प्रेशर के काम आता है क्वेश्चन ये कि सर ये वॉल प्रेशर टैप होता क्या है सुनिए बड़े ध्यान से वॉल प्रेशर टैप क्या होता है ये आपके पास जो है मान लो कि कोई एक कंटेनर हो गया इस कंटेनर में आप एक छोटा सा ऑर्फिस बनाओगे मतलब कनेक्ट कर दोगे तो, और कर दो तो क्या करेगा ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इसका स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगा राइट सो so आपका जो वॉल प्रेशर टैप इस जो छोटा सा आप ऑर्फिस बनाते हो इसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर टैप किसके काम आता है इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो स्टेटिक प्रेशर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए का फोर ठीक है बी का थ्री ओके okay. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन यस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरिटिकल डिस्चार्ज थ्रू एन ऑफिस इज बताइए तो आपको ये एक चीज पता होगी दैट सी डी इज इक्वल टू सीवीसी होता है सीवी इंटू सीसी एक ऑर्फिस मीटर के लिए सीडी क्या होता है कोफिशन ऑफ डिस्चार्ज जिसकी वैल्यू पॉइंट नाइन के आसपास लाई करती है कोफिशंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशंट ऑफ करवेचर तो बताइए इसका आंसर क्या होगा तो बड़ा आए किसी का आंसर आया किसी का आंसर ये तो मैंने आंसर लिखी दिया स्टूडेंट्स बोर्ड पे मैंने तो आंसर लिख दिया आप तो बस आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सी डी इज इक्वल टू सी वी सीसी होता है तो देखिए यहां पे क्या है सीसी अपॉन सी डी डी ये तो क्या हो गया सी डी नहीं बिल्कुल नहीं सीवी अपन सी डी जी नहीं सीसी इंटू सी वी देखो लिखा तो है यहां पे सीसी इंटू सी वी तो आपका जो कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर सॉरी कोफिशंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फैजल बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया फैजल बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्चार्ज थ्रू अ टोटली सबमर्ज्ड ऑफिस जो ऑर्फिस जो है पूरा पानी के अंदर सबमर्ज्ड है उसमें जो डिस्चार्ज होता है नंबर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर वन द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस नंबर टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ द डिफरेंस इन एलिवेशन द वाटर सर्फेस नंबर थ्री द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग नंबर फोर ऑफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग बताइए कौन मुझे बताएगा इसका आंसर बताइए बड़ा इजी क्वेश्चन है बताइए तो स्टूडेंट डिस्चार्ज स्टूडेंट ऑफिस मीटर किसके बराबर होता है किसी को याद हो तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू अगर मान लो कि थ्योरिटिकल आपको निकालना है तो थ्योरिटिकल डिस्चार्ज ओके हैज एनीबडी गॉट द आंसर स्टूडेंट्स एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग हैज एनीबडी गॉट द आंसर किसी को आंसर आया क्या स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हैज एनीवन गॉट द आंसर हैज एनीवन गॉट द आंसर बताइए 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 हैज एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फैजल का वन आ गया आंसर फैजल का वन आया देखिए स्टूडेंट्स मैंने तो फॉर्मुला भी लिख दिया आपके यहाँ पे कि जो थिरोटिकल डिस्चार्ज होगा इट इज गिवन बाय ए नॉट ए नॉट इज द एरिया इंटू स्क्ट ऑफ टू इंटू जी इन टू एच और जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा तो ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई कर देना इंटू ए नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू जी इंटू एच अब आप मेरे को बताइए कि जो आपका डिस्चार्ज है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कौन बताएगा एनबीडी बोल रहे हैं टू बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो डिस्चार्ज जो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एच और एच क्या है आपका डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ वॉटर सर्फेस तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट लिस्ट विद मोमेंटम इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन आइलर्स इक्वेशन एंड हेगन पॉइली इक्वेशन कौन मेरे को इसका आंसर बताएगा इजी क्वेश्चन इट इज आल्सो बताइए लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो एवरीवन इसका मेरे को आप आंसर बताइए इसका इजी क्वेश्चन है आपका टाइम दे रहा हूं मैं आपको टाइम लीजिए आप आंसर बताइए मेरे को इसका आई एम गिविंग यू टाइम आराम से सोचिए इसको क्या होगा इसका आंसर मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन की बात हो रही है राइट right? आया किसी का आंसर आया किसी का आंसर आया किसी का आंसर क्या देखिए बड़े बड़े ध्यान से इसको, बड़े ध्यान से से सुनिए सुनिए इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन राइट ये किसके होती है दैट इज द इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू सर्कुलेटरी फ्लॉज देखो नाम से क्लियर हो गया मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन तो मोमेंटम आपका बस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर थ्री में आ रहा है राइट right? ओके okay? तो करेक्ट आंसर इसका ए का तो थ्री हो गया चलिए ठीक है ए का थ्री हो गया ओके okay? बाकी को देखते हैं बाकी देखिए बी बर्नॉलीज इक्वेशन बर्नॉलीज इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है दैट इज द इनकंप्रेसिबल फ्लूड के लिए एक तो इक्वेशन ऑफ एनर्जी है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी राइट ये सब है उसका अब देखिए जरा इसमें क्या लिखा है यहां दैट इज इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू फाइंड द एनर्जी लॉस इन पाइपलाइन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूड राइट इक्वेशन बेस्ड ऑन ये तो नहीं होगा थ्री डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आइलर्स इक्वेशन आइलर्स इक्वेशन का आंसर ये वाला हो जाएगा क्लियर मोमेंट इक्वेशन का आंसर आपका थ्री वाला हो गया बात करते हैं हेगन हेगन पॉइली पॉइली इक्वेशन इक्वेशन की तो हेगन आपको पता है कि फ्लो के केस में एक पाइप के अंदर हेड लॉस कैलकुलेट करने के काम आती है तो यहां पे देखो एनर्जी लॉस आ गया ये वाला हो गया अब बच्चा बर्नौली तो बर्नौली किसका आ जाएगा बर्नौली आपका टू का आ जाएगा इसका मतलब बी का आपका हो गया टू सी का आपका हो गया कौन सा सी का इसमें आ गया था फोर एंड डी uh, का आपका हो गया वन तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका थ्री टू फोर वन सो so, कौन सा है इसमें आपका थ्री टू वन फोर थ्री टू फोर वन फोर इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन फोर इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बिल्कुल सही वेरी गुड वेरी गुड फोर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरी मीटर इन कंपैरिजन टू द कन्वर्जेंट पोर्शन ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये आपका कन्वर्जेंट पोर्शन है ये आपका थ्रोट हो गया और ये आपका डाइवर्जेंट पोर्शन है और डाइवर्जेंट पोर्शन का जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होता है इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन देन डिग्रीज और ये जो आपका एंगल होता है इट शुड नेवर बी ग्रेटर 26 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए ठीक है है 20 से 26 के बीच में लाई करता है. और ये आपका 7 डिग्री से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए तो बताइए इसमें ज्यादा पोर्शन की लेंथ किसकी है कौन मेरे को बताएगा इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन सौरभ बोल रहे हैं लेस तरुण भी बोल रहे हैं लेस बाकी का आंसर दो तो लेस बता रहे हैं यहां पे बाकी का आंसर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है बताइए मेरे को बताइए सोच के बताइए सोच के बताइए सोच के बताइए अच्छा एनबीडी का मोर आंसर आ गया देखिए स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से देखिए ये ये आपका कन्वर्जेंट पोर्शन है कन्वर्जेंट पोर्शन की लेंथ इतनी है मान लो कि l1 है ये डाइवर्जेंट पोर्शन है कहां से लेकर के कहां तक यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ है l2 तो स्टूडेंट्स आप आप ही देख के बता दीजिए मेरे को कि कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी लेंथ छोटी है तो आप बोलोगे सर देखते ही पता चल गया है. तो एल जो है ना बड़ा है

वेलॉसिटी ग्रेडियंट इज जीरो बी बताइए अगर आपको याद हो तो एक लेमिनार फ्लो के केस में आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन आती है ये पैराबोलिक ऐसे कुछ आती है क्लियर और जो शियरस्ट्रेस प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऐसे लीनियर आती है अगर आपको याद हो तो ये आपकी शियरस्ट्रस प्रोफाइल हो गई और ये वाली आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल हो गई ये आपके आपकी स्ट्रेस प्रोफाइल हो गई ये लेमिनार की मैं बात कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट लेमिनार अगर मैं टर्बुलेंट की बात करूं तो आपका जो स्ट्रेस प्रोफाइल तो ऑलमोस्ट सेम ही आती है स्ट्रेस प्रोफाइल को दिक्कत नहीं होती है लेकिन जो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है यह ऑलमोस्ट आपकी इन नेचर आती है इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन स्मूथ और रफ पाइप उसके ऊपर डिपेंड करता है अब बताइए इसका आंसर क्या होगा सौरभ बोल रहे हैं मैक्सिमम सौरभ बोल रहे हैं मैक्सिमम बाकी का आंसर बाकी का आंसर और और बताएगा मेरे को इसका आंसर स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखिए जरा बड़े क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए आप लोग एट द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप ये देखिए पाइप की सेंटर लाइन ये वाली है ये होती है पाइप की सेंटर लाइन मतलब पाइप के जो एकदम सेंटर से जो जा रही है राइट जीरो होगा तो दिअर स्ट्रेस विल बी यहां पर शियर स्ट्रेस क्या है आपका पॉइंट पे कौन बताएगा मेरे को अरे बाबा जीरो जीरो है यहां पे मैक्सिम मिनिमम कहां से आ गया शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम तो वॉल पे होता है

बताइए बताइएंशाली रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अलग अलग होती है पाइप फ्लो के लिए अलग होती है और आपका ओपन uh, चैनल के लिए अलग होती है प्लेट के लिए अलग होती है सबके लिए आपकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अलग अलग आती है ठीक है ओके लेस देन टू थाउजेंड बिल्कुल सही है सबको पता होता है दैट इज द रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन टू फ्लो अगर वो टू थाउजेंड से फोर थाउजेंड के बीच में है इट इज सेट टू बी एज ट्रांशन फ्लो और अगर उसकी वैल्यू जो है इट इज मोर देन फोर थाउजेंड इट इज सेट टू बी एज अ टर्बलेंट फ्लो आप ध्यान रखना बाकी प्लेट की अगर मैं बात करूं तो प्लेट में सिर्फ और सिर्फ एक रेनोल्ड नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल रेनोल्ड नंबर और क्रिटिकल रेनोल्ड नंबर की वैल्यू को लेस देन फाइव इंटू टेन एज टू पावर फाइव आ गई दू बी फ्लो और अगर क्रिटिकल रेनॉल नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव इंटू टेस्ट हो गई दैट इज सेट टू बी एज अ टर्बुलेंट फ्लो इसमें ट्रांजिशन बहुत ही पतली सी जोन होता है इसको हम जनरली निगलेक्ट कर देते हैं राइट इनकेस टॉकिंग अबाउट मैं बाउंड्री बाउंड्रीर की बात कर रहा हूं ठीक है ना चलिए तो करेक्ट आंसर विल बी लेस देन टू थाउजेंड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज इज मेजर्ड विदेल्प ऑफ एल्बोमीटर

वट विल यू मेजर विद द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर एनी वन एनी वन चलिए वेलासिटी एनबीडी बोल रहे डिस्चार्ज बाकी का आंसर एक बोल रहे हैं वेलॉसिटी एक बोल रहे हैं डिस्चार्ज बाकी का आंसर बाकी का आंसर चलिए मैं आपको बता ही देता हूं स्टूडेंट्स तो एल्बोमीटर से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अगर आपको मेजर करनी है वेलासिटी अगर वेलॉसिटी मेजर करनी है तो आपके पास है पिटॉट ट्यूब

तो क्यूमेक को मेजर करने के लिए डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए पहला तो है मेरे पास वेंचुरी 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 मीटर 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 थोड़ा महंगा आता है राइट तो इसलिए हमारे पास और वेंचुरी मीटर को लगाने के लिए पाइप को काटना पड़ता है तो हमारे पास एक दूसरा मीटर आया जिसको हमने बोला ऑर्फिस मीटर ऑर्फिस मीटर ऑर्फिस मीटर में लॉसेस बड़े ज्यादा होते हैं और ऑर्फिस मीटर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसको फिर ओवरकम करने के लिए हमारे पास है एल्बोमीटर 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 में कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है एक और इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है रोटामीटर रोटामीटर और आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े मतलब जहां पे भी आपको डिस्चार्ज मेजर करना है जनरली हम लोग रो रोटामीटर की हेल्प लेते हैं रोटामीटर का जो प्रिंसिपल है दैट इज द वेरिएबल एरिया वेरिएबल एरिया इसका जो है प्रिंसिपल है

नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रैग इज डिफाइंड एज द फोर्स कंपोनेंट एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट द कंपोनेंट एक्टिंग इन द इन डायरेक्शन इज बताइए बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा ड्रैग इज डिफाइंड एज द फोर्स कंपोनेंट एक्सर्टेड ऑन एन इमर्ज ऑब्जेक्ट द कंपोनेंट एक्टिंग इन डायरेक्शन इज बताइए चलिए कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है आपका ड्रैग फोर्स कौन मेरे को बताएगा इसका आंसर देखिए ये मान लो कि आपकी कोई एयरफॉइल है कोई भी आपकी एयरफॉइल है यहां से आपका जो है फ्लो आ रहा है तो ड्रैग आपका जो है किस डायरेक्शन में हो? इस डायरेक्शन में आपका ड्रैग एक्ट करता है क्लियर इस डायरेक्शन में आपकी लिफ्ट एक्ट करते हैं दिस इज द फोर्स ऑफ लिफ्ट दिस इज द फोर्स ऑफ ड्रैग और निकालते कैसे एक ही फॉर्मूला है फोर्स ऑफ लिफ्ट निकालने के लिए भी और फोर्स ऑफ ड्रैग निकालने के लिए भी कि जो कोफिश ऑफ ड्रैग होता है इट इज गिवेन बाय द फोर्स ऑफ ड्रैग डिवाइड बाई अ हाफ

क्लियर जैसे कि अगर आपने देखा होगा एरोप्लेन जब बड़ी तेज स्पीड से चलता है उसके विंग्स के ऊपर ड्रैग भी लगता है और लिफ्ट भी लगता है जब लिफ्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपका एरोप्लेन हवा में उड़ने लग जाता है राइट right? और लिफ्ट और ड्रैग का एक रिजल्टेंट होता है इज एज थ्रस्ट राइट तो अब यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स तो ये हो गया तो क्वेश्चन क्या है कि ड्रैग कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है कहने का मतलब ये है तो ड्रैग हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ही एक्ट करता है ड्रैग हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ही एक्ट करेगा द करेक्ट आंसर विल बी पैरल टू द फ्लो डायरेक्शन ध्यान रखना पैरल टू द फ्लो डायरेक्शन चलिए यस एनबीडी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सौरभ का भी बिल्कुल सही है वेरी गुड सौरभ बहुत बढ़िया सतीश थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आपसे कोई बात नहीं एग्जाम में गड़बड़ आप मत करना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेवियर स्टोक इक्वेशन रिप्रेजेंट जो आपकी नेवियर स्टोक इक्वेशन है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करती है मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे बात बताऊंगा नेवियर स्टोक इक्वेशन के बारे में पहले आप इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए मेरे को यू ट्राई टू गिफ दिस क्वेश्चन और नेवियर स्टो की क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है बाय द वे ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए थ्री एनर्जी कंजर्वेशन सौरभ बोल रहे हैं सतीश भी थ्री बोल रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन अच्छा बाकी का आंसर बाकी का आंसर मनु uh, बोल रहे हैं टू वोल्टिसिटी कंजर्वेशन ठीक है बाकी का आंसर बाकी और किसी का आंसर और किसी का आंसर देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपकी नेवियर स्टोक इक्वेशन है ना ये अल्टीमेटली आपकी जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही ड्राइव होती है मतलब एक तरह की कंटिन्यूटी इक्वेशन ही आपकी नेवियर स्टोक इक्वेशन राइट तो आपकी जो नेवियर स्टोक इक्वेशन है एक तरह की कंटिन्यूटी इक्वेशन है और कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी किससे ड्राइव होती है कंजर्वेशन ऑफ मास से ड्राइव होती है तो आपकी नेवियर स्टोक इक्वेशन भी कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये एक कंजर्वेशन के ऊपर और बेस्ड है जिसका नाम है मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन ये दो चीजों के ऊपर बेस्ड है एक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड आपका मोमेंटम कंजर्वेशन अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन ने मुझे एनर्जी है, है, है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता तो क्या हो जाएगा इसका? लेकिन ध्यान रखना अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए ना कि जहां पे भी, लिखा हो, भी लिखा हो तो दोनों आंसर इसके सही हैं। उस टाइम पे उन दोनों ऑप्शन को एसएस को एक ही ऑप्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा दो अलग अलग ऑप्शन नहीं दे सकता क्योंकि आपकी जो नेवियर स्टोक

अगर आपको एजम्पन पता है आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन की तो आप बर्नॉलीज इक्वेशन की एजम्शन भी बता सकते हो बिकॉज अल्टीमेटली आयलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद ही मेरे पास बर्नॉलीज इक्वेशन ऑफ मोशन आती है राइट right? अगर आपको आयलर्स इक्वेशन की पता है बताइए यस बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरी चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इसका मेरे को आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए बी 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 फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया तो हम लोग क्या मानके चलते द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल ये हम मान के चलते हैं ध्यान रखना स्टूडेंट्स आप लोग ठीक है फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर चलिए द करेक्ट आंसर इज द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन of diameter 30 cm is moving with a uniform velocity of 4 m per second. The dynamic viscosity इन the specific gravity of the fluid or the liquid are given as 0.8 poise and 0.9 respectively what is the value of the reynolds number so reynolds number actually mein hota kya hai? that is equal to inertial force inertial force divided by the viscous force viscous force and that is ultimately equal to rho into v into डी अपॉन म्यू डी एक्चुअल में होती कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है लेकिन ये पाइप के लिए अलग होती है प्लेट के लिए अलग होती है ओपन चैनल के लिए अलग होती है and it keeps on changing, right? so आप मेरे को बताइए इसका आंसर ट्राई कीजिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना स्फीयर ऑफ डायमीटर थर्टी सेंटीमीटर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फोर मीटर पर सेकेंड ओके डायमिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड आर डायमिक ग्रेविटी है तो पहले तो आप रो निकालीजिए रो कितना आर इज इक्वल टू रो डेंसिटी कितनी है यहां पर आपको दिया है पॉइंट 0.9 पॉइंट नाइन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो है डेंसिटी आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रो इन टू वेलॉसिटी है टू डी अब डी कितना हो जाएगा आपका डी यहां पे हो जाएगा थर्टी सेंटीमीटर दिया है आपको सो पॉइंट थ्री हो जाएगा आपके पास राइट जीरो पॉइंट थ्री मीटर हो गया डिवाइड बाय म्यू और म्यू की वैल्यूज ने कितने दिए मेरे को म्यू की वैल्यूस ने मेरे को दी है हाउ मेनी स्टोक्स पॉइंट एट पॉइंस दी सॉरी पॉइंट एट पॉइंस और मुझे पता है कि जो टेन पॉइज़ होता है ये वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है इसका मतलब अगर मुझे इसको ऐसा यूनिट में निकालना है पॉइज़ को तो मुझे इसको टेन से डिवाइड करना पड़ेगा राइट इसका मतलब जीरो पॉइंट जीरो एट ये आपका आ जाएगा टोटल तो अब मेरे को बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा चलिए बताइए पीपल बोल रहे हैं बच्चे बोल रहे हैं सी 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 देखिए स्टूडेंट्स कर लेता हूं मैं इसको तो आपका एट है तो आपका ऊपर मैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे भी हंड्रेड से करूंगा तो एट बच जाएगा फोर इंटू टू इज एट हो गया टू को मैं फाइव हंड्रेड हो जाएगा फाइव इंटू थ्री फिफ्टी हो गया फिफ्टीन इंटू नाइन आपका हो गया वन थर्टी फाइव हो गया तो वन थर्टी फाइव सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये वाला मिल रहा है दैट इज वन थ्री फाइव डबल जीरो बिकॉज इंटू वन थाउजेंड भी होगा तो वन थ्री फाइव डबल जीरो आंसर

मीटर पर सेकेंड मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आपको जो है डिस्चार्ज दिया हुआ है राइट ओके द फ्लो इज यू हैव टू फाइंड विच टाइप ऑफ फ्लो इज दिस रेनॉल्ड नंबर निकाल लो रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन टू थाउजेंड आ गया तो लेमिनार हो गया और अगर बीच में आ गया 2000, 4000 फोर ट्रांजिशन आ गया और ज्यादा आ गया तो आपका ट्रिबुलेंट आ गया बस आप रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए लेकिन यहां पे आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है तो रेनॉल्ड नंबर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्चार्ज में राइट आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वेलॉसिटी को क्या हो जाएगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया आपकी वेलॉसिटी हो जाएगी तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए देखिए मैं आपको बताता हूं तो रेनॉल्ड नंबर जो होगा दैट इज रो इी अपॉन न्यू होगा राइट right? तो एक काम करता हूं मुझे विस्कोसिटी दी है तो मैं रो को ना नीचे लेके आ जाता हूं तो इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न न्यू न्यू इज द कानामेटिक मुझे क्वेश्चन में दी नहीं है या तो मैं पहले वेलॉसिटी निकाल लू या फिर इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में लिख दो मेरी मर्जी है तो आई नो दैट वेलॉसिटी कैन बी रिटर्न एज डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू डायामीटर डिवाइडेड बाई न्यू राइट right? तो डिस्चार्ज मुझे पता है और एरिया कितना हो जाएगा पाई बाय फोर डी स्क्वायर सो so बिकॉज पाइप की बात हो रही है ना तो आपका हो जाएगा Q into D into into फोर का होल स्क्वायर तो फोर ऊपर चला जाएगा डी से डी कैंसिल हो जाएगा सो फोर टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय पाई इंटू न्यू इंटू डी हो जाएगा बस बस आपको फॉर्मूला पता चल गया आपको क्यू की टर्म्स में अब बस वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल लो अब इसमें कुछ बचा नहीं है और अच्छी बात क्या है कि डिस्चार्ज आपको ना पाए के टर्म्स में दिया हुआ है तो पाए पाए आपस में कैंसिल हो जाएगा ठीक है बताइए इसका आंसर क्या एनी वन एनी वन एनी वन बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो मैं निकाल लेता हूं इसको आप लोग तो टाइम लगा रहे हो तो मैं निकाल लेता हूं तो आपका रेनॉल नंबर हो जाएगा फोर इंटू डिस्चार्ज डिस्चार्ज कितना दिया यहां पे दैट इज थ्री टू डबल जीरो पाए थ्री टू डबल जीरो पाए इंटू टेन रेस्ट टू दी पावर माइनस फोर लेट वी चेक द यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड ऐसा यूनिट है कोई दिक्कत ही नहीं है डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई न्यू न्यू कितना दिया मेरे को न्यू उसने दिया है मेरे को फोर इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस टू फोर इंटू टेन रेस्टू पावर माइनस टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड डायमीटर दिया है एटी एम एम एटी एम एम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में सो एटी डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड तो ये आ जाएगा राइट right? तो अगर स्टूडेंट्स पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू फोर गया तो ये आपका हो गया वन uh, थाउजेंड से टेन माइनस फोर गया माइनस वन बच गया तो ये ऊपर वन हो गया ये जीरो से जीरो गया ये आपका फोर हो गया ये आपका जीरो हो गया इंटू टेन हो, हो गया तो आपका फोर आ गया तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो फोर आ गई और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर फोर आ गई इट मीन दैट रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन टू तो फ्लो कौन सा हुआ अरे लेमिनार हो गया ना अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेमिनार फ्लो हो गया चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एवरी वन चलिए बिल्कुल सही बिल्कुल सही एनबीडी बिल्कुल, बिल्कुल सही पार्थ का भी सही आ गया वेरी गुड एवरी वन वेरी गुड बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन लेमिनार फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर इज कॉन्स्टेंट नंबर टू फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द पाइप रफनेस फ्रिक्शन फैक्टर वेरीज इनवर्सली विदॉल्ड नंबर ऑफ फ्लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक देखो लेमिनार फ्लो की बा, बात हो रही है लेमिनार पाइप फ्लो की बात हो रही है तो कौन सा इसमें सही है बताइए बड़ा इजी क्वेश्चन है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बड़ा इजी क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया बताइए इसका आंसर क्या हो गया देखिए रेनॉल्ड अगर मैं बात करूं लेमिनार फ्लो की तो मैं तब, आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं एक लेमिनार फ्लो में जो पाइप के अंदर होता है वेलोसिटी प्रोफाइल तो होती है पैराबोलिक चलिए शियर स्ट्रेस होता है आपका लीनियर ऐसे वॉल पे मैक्सिमम और सेंटर पे जीरो दो पॉइंट तो ये हो गए राइट आ, लेमिनार फ्लो के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है टू अल्फा इज द कानेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बीटा की वैल्यू होती है फोर बाय थ्री 1.333 समथिंग होती, राइट ये वैल्यू ये इंपॉर्टेंट हो गया बाकी लेमिनार फ्लो के लिए अगर आप निकाल रहे हो फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो के लिए अगर फुल्ली डेवलप्ड हो तो आप हेगन पॉइली इक्वेशन हेगन पॉइली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो आप डार्सी विस्बैक इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो दैट इज एच एफ एल इज इक्वल टू फोर अपॉन टू इंटू जी इंटू डी राइट और जब आप इन दोनों कंपेयर करोगे लेमिनार फ्लो के लिए बिकॉज दोनों को सेम वैल्यू देनी चाहिए तो आपको जो है फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी सी एफ विल बी इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन आर ई और जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटी फोर अपॉन आर ई तो मैंने आपको पूरी नॉलेज दे दी मैक्सिमम एक मिनट के अंदर पूरी लेमिनार फ्लो के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल चुकी है ठीक है अब देखिए जरा फ्रिक्शन फैक्टर इज कॉन्स्टेंट अरे कौन बोलता है अगर रेनॉल नंबर चेंज होगा तो फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा बिल्कुल गलत बात फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द पाइप रफनेस ये तो ये कहां डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन फैक्टर पाइप रफनेस के ऊपर ये तो सिर्फ और सिर्फ टर्बुल, टर्बुलेंट फ्लो में डिपेंड करेगा टर्बुलेंट फ्लो में आपका रफ पाइप है या स्मूथ पाइप है उसके लिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है फ्रिक्शन ऑफ की अगर आपने मोडीज डायग्राम को ध्यान से देखा हो तो मोडीज डायग्राम आपकी हमेशा है होती है लेमिनार फ्लो के लिए लेकिन एक टर्बुलेंट जैसे आपका फ्लो बनता है तो उसकी वैल्यूज अलग अलग सी आने लग जाती है मोडीज डायग्राम की तो ये बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो कंप्लीटली इनकरेट फ्रिक्शन फैक्टर वेरीज इनवर्सली विद रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लो ये चेक कर लेते हैं जी हाँ बिल्कुल सही है फैक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर आ गया बिल्कुल सही ये आपको दिया। होती है। इसका मतलब तीन और चार जो है ऑप्शन नंबर टू जो है चलिए विक्रम बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर तो सही नहीं है आपका आपका ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर थ्री और ऑप्शन नंबर फोर जो है आपके सही है दैट इज स्टेटमेंट नंबर थ्री एंड स्टेटमेंट नंबर लाइक, शेयर सब्सक्राइब चलिए आगे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फॉर द इज अभी मैंने आपको एक फॉर्मुला बताया आप वहां से निकाल लीजिए इसका आंसर क्या होगा चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा अभी एक फॉर्मुला मैंने आप डिस्कस किया बस आपके सामने बताइए अच्छा लेकिन एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स एक चीज आप और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे बड़े ध्यान से बड़े ध्यान से यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है देखिए ये यहां पे इसने स्मूद पाइप की बात कर दी है स्मूद पाइप की इसका मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये टर्बुलेंट फ्लो की बात हो रही है यहां पे टर्बुलेंट फ्लो की बिकॉज जो स्मूद पाइप और रफ पाइप का जो कंसेप्ट है स्मूद पाइप एंड रफ पाइप का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टर्बुलेंट फ्लो के केस में है इट इज ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो ये बाकी केस में आपका ये कंसेप्ट नहीं बैठता है सिर्फ और सिर्फ ये टर्बुलेंट फ्लो में आपका कंसेप्ट है इसका मतलब ये जो भी स्टेटमेंट मेरे को दे रहा है यहां पे मुझे फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है टर्बुलेंट फ्लो के लिए ना कि लेमिनार फ्लो के लिए बिकॉज अगर लेमिनार फ्लो होता तो मुझे ये बात ही नहीं करता इसके बारे में कि स्मूथ पाइप है रफ पाइप है जहां पे भी स्मूथ पाइप या रफ पाइप आपको दिख गया तो समझ कि टर्बुलेंट फ्लो की बात हो रही है आपको जो है दिया जाता है आपको फ्रिक्शन फैक्टर इन द केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो राइट तो आप बस ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल लीजिए आपका आंसर कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं इसको तो आपका फ्रिक्शन फैक्टर हो जाएगा 0.316 अपॉन रेनॉल्ड नंबर इज टेन रिस्ट पॉल फाइव रिस्ट पावर वन बाई फोर मतलब टेन की पावर फाइव बाई फोर राइट सो इट विल बी इक्वल टू विल्स डिवाइड बाई टेन की पावर फाइव बाई फोर क्लियर अब इसको कैसे सॉल्व करें इसको एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं यहां पे मैं बताता हूं आपको ये आपका हो जाएगा सो so ये आपका हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री वन सिक्स राइट ये आप ले लीजिए इसको टेन की पावर आप इसको ले लीजिए की पावर ये आपका हो जाएगा इन टू टेन की पावर ये आपका हो जाएगा मान लीजिए कि थ्री और ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक सेकेंड ये आपका हो जाएगा वन प्लस वन प्लस आपका हो जाएगा फाइव बाई फोर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन सो इट विल बी इक्वल टू टेन इंटू टेन इज टू पावर वन बाई फोर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ठीक है तो टेन की पावर पॉइंट क्या हो जाएगा टेन की पावर पॉइंट हो जाएगा जीरो पॉइंट डिवाइड बाई टेन की पावर वन बाई फोर अब टेन की पावर वन बाई फोर कितना होगा टू इंटू टू इज एट एट इंट टू इज सिक्सटीन मतलब वो टू और वन के बीच में कहीं लाए करेगा राइट अगर मान लो आप उसको समथिंग भी कुछ मान लेते हो तो फिफ्टीन फिफ्टीन इज टू पॉइंट टू फाइव

पॉइंट जीरो वन एट के आसपास जो है आपका नियरली आंसर आ जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू नियरली पॉइंट जीरो वन एट चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए ये कैलकुलेशन कभी क्वेश्चन रह जाते हैं एग्जाम में कोई बात नहीं तरुण जितना आपसे क्वेश्चन हो सके एग्जाम में आप कीजिए और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं कि आप बस देखते ही टिक मार दोगे उसको बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे वहां पे आपका टाइम बचेगा और जो वहां पे टाइम बचेगा आप ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होते बहुत बच्चे सोल्व करते हैं आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे प्री एग्जाम में ही वन एट्टी मार्क्स भी लेके आते हैं इसका मतलब उन्होंने सॉल्व तो किए होंगे ना राइट सोल्व तो किए होंगे उन्होंने राइट आपसे नहीं हो पाया इसका मतलब या तो आपकी प्रैक्टिस कम है या आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है कुछ तो रीजन हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं पर पर कॉमन कॉमन डिजाइन डिजाइन प्रैक्टिस प्रैक्टिस थ्री सबसे ज्यादा फ्लोरिट किसका होता है? कौन मुझे बताएगा? का जो है सबसे ज्यादा फ्लोरिट होता है ये याद कर देना बड़ी इंपॉर्टेंट है कैपलाइन जो है आपकी लो हेड के लिए काम करती है और उसका फ्लोरेट बहुत ज्यादा होता है और कैपलाइन टर्बाइन एक तरह की आपकी एक्जियल फ्लो टर्बाइन है एक्जियल फ्लो टर्बाइन एक्जियल फ्लो बोले तो ये आपकी ऐसे टर्बाइन होगी कुछ ऐसे करके ये आपकी ऐसे टर्बाइन होगी कुछ यहां पे इसके ब्लेड्स लगे होंगे ऐसे करके तो पानी ना ऊपर से आके ऐसे गिरता है तो पानी जब ऊपर से आके गिरेगा तो ये आपके ब्लेड जो ऐसे घूमते हैं फिर आप राइट सो so, ऊपर से पानी गिर रहा है मतलब इसकी एक्सिस के पैरल पानी गिरता है इसमें इसलिए हम इसको एक्जियल फ्लो टर्बाइन भी बोलते हैं राइट तो आप मेरे को इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा एनी वन बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा वन 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 पीपल आर सेइंग वन तरुण भी वन बोल रहे हैं एनबीडी भी वन बोल रहे हैं अगर आप लोग वन बोल रहे हैं तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला बिल्कुल सही आंसर है आपका द करेक्ट आंसर इज सबसे ज्यादा फ्लोरेट होता है कैप्लान का उसके बाद होता है फ्रांसिस का उसके बाद होता है पेल्टन व्हील का पेल्टन व्हील का फ्लोरेट सबसे कम होता है लेकिन पेल्टन व्हील का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है उसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है कैविटेशन बहुत कम होता है उसमें क्या पेल्टन पेल्टन व्हील व्हील मतलब होता होता ही नहीं, Cavitation, Pelton wheel में होता ही नहीं नहीं है 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 समझो आप कैविटेशन में उसका बहुत बड़ा फायदा है। बाकी लेकिन उसका फ्लोरेट बहुत ही कम है उसका लेकिन पेल्टन व्हील को ऑपरेट करने के लिए बहुत हाई हेड चाहिए होता है आपको पानी का जो ग्रेविटी डैम है आपको बहुत ऊपर लगाना पड़ेगा आपको राइट ओके तो मैं आपके लिए एक फिगर भी लेके आया हूं ये आपको ध्यान रखना है इसका चलिए देखिए क्या है आपका ये एवेलेबल आपका पेल्टन व्हील का जो है बहुत ही हाई होता होता है Francis का medium होता है फ्रांसिस का मीडियम और कैप्लान का आपका लो होता है फ्रांसिस को हम लोग इंपल्स भी बोलते हैं बिकॉज इसमें एनर्जी और प्रेशर एनर्जी आपकी दोनों अवेलेबल रहती है और डिस्चार्ज और फ्लोरेट जो होगा सबसे कम होगा पेल्टन का मीडियम होगा आपका फ्रांसिस का और हाई होगा आपका कैप्लान का इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपको बाद में ये काम आएगा और अपने मोबाइल में सेव करके आप इसको रिवीजन करते रहना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फोलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ड्राफ्ट ट्यूब अब ये ड्राफ्ट टूब हो, होती क्या है अगर आपकी कोई टर्बाइन है स्टूडेंट राइट right? तो टर्बाइन के आउटलेट में इतना कम प्रेशर हो जाता है बिकॉज पानी की वेलॉसिटी बहुत ज्यादा होती है तो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि प्रेशर बाहर ही नहीं निकल पाता आपका मतलब पानी आपका बाहर नहीं निकल पाएगा बिकॉज पानी हमेशा आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है अगर आउटलेट पे टरबाइन के बहुत ही कम प्रेशर हो गया तो बाहर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो बाहर ज्यादा प्रेशर है अंदर कम प्रेशर है पानी बाहर कैसे जाएगा उस केस में हम लोग जो है ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई टर्बाइन है ये मान लो कि यहां पर टर्बाइन जो थी ये कोई रोटेट कर रही थी टर्बाइन आपकी बहुत तेज रोटेट कर रही थी तो इसके आउटलेट पे मान लो कि ये इसका आउटलेट हो गया आउटलेट ऑफ द टर्बाइन तो यहां पे पानी की वेलोसिटी बहुत तेज होती है। और मुझे पता है, ट्रेन है तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो ट्रेन अगर एकदम तेजी से निकलेगी तो आपको एक झटका महसूस होगा ट्रेन की तरफ क्यों प्रेशर कम हो जाता है आपका राइट द सेम केस है तो आपका प्रेशर जब कम हो जाएगा और वो बाहर आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है और जब प्रेशर आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो पानी बोलेगा मुझे बाहर नहीं जाना भाई मुझे तो यही सुकून महसूस हो रहा है तो आपका एरिया बढ़ता रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो जब यहां पे प्रेशर एटमोस्फेर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो आपका पानी बाहर निकल जाएगा आपकी एक्चुअल में करती क्या है ड्राफ्ट हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देती है ठीक है ना जो बताइए मेरे को एनी चलिए कुछ बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कुछ बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर पार्थ बोल रहे हैं है, है, है। का है? है। तभी तो आपका पानी बाहर निकलेगा लेकिन ऑप्शन नंबर फोर में देखिए क्या लिखा है इट कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी एट द आउटलेट ऑफ द टर्माइन यूजफुल यूजफुलटिक एनर्जी नहीं बिल्कुल गलत तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है यह कानेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है अगर आप हेड की टर्म्स में लिखना चाहो तो काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करती है सो दिस द करेक्ट आंसर लेट करेक्ट की बात नॉट करेक्ट ये करेक्ट सो दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर दिस इज इनकरेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हायर स्पेसिफिक स्पीड

जो कि ज्योमेट्रिकली आपकी नॉर्मल टर्बाइन के बराबर है और जो कि आपका यूनिट पावर जनरेट करती है यूनिट हेड पे राइट उस स्पीड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड गेटिंग मी मतलब ज्योमेट्रिकली एकदम सिमिलर है आपकी एक्चुअल से ये हम लैब की बात कर रहे हैं क्योंकि लैब में तो आप इतनी बड़ी टर्बाइन लगा के टेस्टिंग नहीं करोगे आप छोटी टर्बाइन लगाओगे लेकिन उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो है आपकी उससे मैच करनी चाहिए अपनी एक्चुअल टर्बाइन से तो स्पेसिफिक स्पीड वो स्पीड है जो कि यूनिट पावर जनरेट करेगी यूनिट हेड से दैट इज द स्पेसिफिक स्पीड एक्चुअली स्पीड स्पीड 300 से हजार के बीच में लाई करती है तो वो आपका कैप्लान टर्बाइन में आता द कैटेगरी ऑफ द कैप्लान टर्बाइन कैप्लान टर्बाइन क्वेश्चन बाकी के लिए क्या होगा तो टेंशन मत लीजिए मैं आपके लिए टेबल लेके आया हूं देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट लो स्पीड लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन द स्पेसिफिक स्पीड इज लेस देन 50, वेरिंग फ्रॉम 10 टू 35 फॉर सिंगल जेट एंड अप टू 50 टू आफ्टर 50 फॉर डबल जेट एग्जांपल इज पेल्टन व्हील तो अगर आपकी स्पेसिफिक स्पीड जो है लेस देन इक्वल टू 50 आ जाए तो समझ जाओ कि पेल्टन व्हील की बात हो रही है अगर आपकी स्पेसिफिक स्पीड जो है पचास 50 से डेढ़ के बीच में आ जाए अगर 50 से लेकर डेढ़ सौ के बीच में अगर आपकी सॉरी ढाई सौ के बीच में आपकी स्पेसिफिक स्पीड आ जाए तो समझ लीजिए कि फ्रांसिस टर्न की बात हो रही है और अगर आपकी स्पेसिफिक स्पीड जो है ग्रेटर देन 250 हो जाए तो समझ जाइए कि कैप्लान की बात हो रही है राइट और प्रोपेलर टर्बाइन कैप्लान को ही प्रोपेलर टर्बाइन भी बोलते हैं बिकॉज उसका जो शाफ्ट है वो प्रोपेलर की तरह ऐसे घूमता है राइट दैट इज वाइट इज ऑल्सो कॉल एज अ प्रोपेलर टर्बाइन चलिए यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर हाँ फाइव बाई फोर ही होगा अच्छा थ्री बाई फोर लिख देनेट इज फाइव बाई फोर मैंने थ्री बाई फोर ली इट इज फाइव बाई फोर इट इज फाइव बाई फोर मैं दोबारा दे देता हूं आप लोग गलती मत कर देना एग्जाम में ठीक है ना मैंने गलती से थ्री बाई फोर लिख दिया इट इज फाइव बाई फोर एन रूट पी एच रेस्ट टू दी पावर फाइव बाई फोर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए थैंक यू याद दिलाने के लिए वेंकटेश वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राफ्ट ट्यूब फॉर रिएक्शन टर्बाइन इज अरेज फॉर अभी मैंने आज जस्ट आपको बताया जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस ड्राफ्ट ट्यूब आप बताइए मेरे को ड्राफ्ट ट्यूब का आंसर क्या होगा वॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ड्राफ्ट ट्यूब बताइए स्टूडेंट्स बताइए बताइए

कैन सेक्ल मीनिंग ऑर द एक्चुअल पर्पज ऑफ दिसम्पोनेट ऑफ द सेंट्री फ्यूगल पंप सेंट्री फ्यूगल पंप का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है तो सेंट्री फ्यूगल पंप होता क्या स्टूडेंट्स सो इट इज अ टाइप ऑफ अ पंप फॉर एग्जाम्पल दिस इज अंप राइट ये आपका नीचे से पानी उठाएगा यहां से देर इज अंप देर इज अंप दिस इज अंप

Suction head plus the delivery head. That is what is happening in the case of the uh, centrifugal pump. ज अम्प राइट यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका सबसे ज्यादा कैविटेशन यहां पर होने के चांस रहते हैं कैविटेशन कब होती है जब भी आपका वेपर प्रेशर जो है ज्यादा हो जाए आपका नॉर्मल प्रेशर से मतलब जब भी आपका लोकल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए कैविटेशन हैपेंस और यहां पे इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि यहां पर आपकी कैविटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज अगर स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा और जब यह प्रेशर जो है आपका वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो समझ जाओ कि आपकी कैविटेशन होने

आपने देखा होगा ना गांव वगैरह में पंप को स्टार्ट करने से पहले पानी ऊपर एक छोटा सा निब होता है निब को खोल कर, के के पानी डाल और निब को बंद कर देते हैं उसके बाद पंप को चालू करते हैं तभी आपका पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल हेड को जनरेट कर पाता है अदरवाइज हवा को जनरेट हवा में जनरेट नहीं कर पाएगा वो राइट दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमिंग तो केसिंग भी होती है उसमें रोटेटिंग इंपेलर ये भी होता है ड्राफ्ट ट्यूब इसका कोई काम नहीं सेंटर है करेक्ट तो करेक्ट आंसर इज ड्राफ्ट ट्यूब सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट सो ड्राफ्ट ट्यूब इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रफ्यूगल

कैविटेशन कैन टेक प्लेस इन केस ऑफ कैविटेशन कहां कहां हो सकता है सेंट्री फ्यूगल पंप अभी मैंने आपको बताया सेंट्री फ्यूगल पंप में तो भयंकर हो सकता है रेसिप्रोकेटिंग पंप बिल्कुल दट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेंट्री फ्यूगल सेंट्री फ्यूगल पंप वहां भी हो सकता है फ्रांसिस टर्बाइन हो सकता है पेल्टन व्हील पेल्टन व्हील थोड़ा सोच के आंसर देना मेरे को आपको आंसर आ जाएगा इसका बताइए चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया सब चीजों को आई हैव ऑलरेडी गिवन यू हिंट फॉर एवरीथिंग

कैविटेशन uh, नहीं होता लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है पेल्टन व्हील का कि आपको ना बहुत बड़ा हेड आपको अप्लाई करना पड़ेगा बहुत बड़ा हेड आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक आप कोई बहुत बड़ा डैम क्रिएट नहीं करते हो इट इज वेरी डिफिकल्ट या उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए आपने देखा होगा पेल्टन व्हील ज्यादातर हिली एरियाज में अडॉप्ट किए जाते हैं इन हिली एरियाज बिकॉज आप एक बड़ा हेड वहां पे दे सकते हो पहाड़ के ऊंचे से पाइप लेके आओ नीचे पेल्टन व्हील चला दो अगर आपको याद हो अगर किसी ने स्वदेश मूवी देखी है स्टूडेंट्स राइट ज एनी बडी सीन द मूवी स्वदेश मूवी इन स्वदेश मूवी सो शाहरुख खान ही डेवलप्स एन इंस्ट्रूमेंट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इफ यू रिमेंबर इट राइट दैट इज बेसिकली पेल्टन व्हील तो क्या किया उसने पहाड़ से पाइप लेके आया और नीचे उसने टर्बाइन को घुमाया वो जो टर्बाइन थी ना इट इट वॉज अ पेल्टन व्हील राइट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी सी एन डी सो इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

बताइए 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 इसका आंसर क्या होगा बताइए चलिए ट्राई कीजिए आंसर आ जाएगा आपका देखिए हेड सेम है आपका सब कुछ सेम है इसका मतलब n रूट p रह जाएगा बस आपका बताइए एवरीवन चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई इवन इफ इट इज रॉन्ग एटलीस्ट ट्राई चलिए ट्राई कीजिए सतीश इज चलो मैं ट्राई करता हूं एक बार सो एन एस एन रूट पी ऑफ द फर्स्ट टर्बाइन विल बी इक्वल टू एन रूट पी ऑफ द सेकेंड टर्बाइन सो फर्स्ट टर्बाइन अंडर द सेम हेड ए प्रोवाइड्स और आई कैन से दिस इज एंड दिस इज बी वन टू की जगह ए बी लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है सो नाइन हंड्रेड राइट Uh, at 800 rpm, 900 uh, root of 900 into 800 rpm is equal to uh, square root of 100 multiplied by n. So, n will be equal to 800, uh, square root of 900 will be equal to 30 and divided by 10. So, this will get cancelled, it will be equal to 2400. Very good, Venkatesh. Very good. Very good, Satish, also. सतीश का भी बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही सतीश का भी आंसर सही है पार्थ का भी सही है विक्रम का भी सही है हैज गॉट द करेक्ट आंसर दैट इज इज ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन इंक्रीजेज विद वेन एवर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिनेशन उसका फॉर्मुला आप लिख लीजिए बस सो एन स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाई एच रिस पावर फाइव बाई फोर और आप, आप मेरे को बताइए इसका आंसर क्या होगा एक बार फॉर्मूला लिख दो फिर आंसर बड़ा सिंपल हो जाता है बताइए इसका आंसर क्या होगा यस yes. शाहरुख खान यस yes. चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे को बताइए ट्राई टू कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एन ई वन चलिए देखिए इंक्रीजेस विद द शाफ्ट स्पीड सो वी नो दैट एन एस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन सो दैट इज करेक्ट इट इज करेक्ट इंक्रीजेस इन डिस्चार्ज सो वी नो दैट की जो आपका प्रेशर जो आपका पावर है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज ऑल्सो सो अगर आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा तो आपकी पावर बढ़ जाएगी एंड इट मीन दैट एन एस विल ऑल्सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज ऑल्सो इट मीन दैट इज ऑल्सो करेक्ट डिक्रीजेस इन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन Decreases in gravitational acceleration. If the gravitational acceleration is high, it is certainly going to decrease. Because आपका जो power है वो कम हो जाएगी. आपकी power कम हो जाएगी तो आपके decrease in वो हो जाएगा. तो this is also correct. Increase in head. अब देखिए students, अगर आप head को बढ़ाओगे, अगर आप head को बढ़ाओगे तो आपका ns जो है ना decrease होगा, increase नहीं होगा. ns will decrease because ns is inversely proportional to h raised to the power 5 by four.

टर्बाइन इज एन इम्पल्स टर्बाइन फ्रांसिस दिया टर्स में तो कोई मिस्टेक नहीं करने वाले और जबकि आपको मैंने थोड़ा सा हिंट अभी थोड़ी देर पहले दिया भी था इसके बारे में give me the answer of आंसर question? question. What is an impulse turbine? In which only kinetic energy is available at the

आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन इसके अलावा एक्सुअल फ्लो टर्बाइन में आपका कैप्लान टर्बाइन आ जाएगा सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका किसी का आया क्या फोर फोर बिल्कुल सही बिल्कुल सही अभी मैंने आपको हिंट भी दिया था द करेक्ट आंसर इज कैप्लान सो कैप्लान इज एन एक्शल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है इट हैज बीन आस्ट मेनी टाइम्स इन मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके दिस इज व्हाट आई हैव रिटर्न फॉर यू आल्सो अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको बाद में काम आएगा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन सेव इट और आपके बाद में काम आ सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप बिकम्स नेगेटिव अब ये स्लिप का मतलब क्या होता है अगर आपका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ जाए थ्योरिटिकल डिस्चार्ज से तो आपका जो पंप का जो रेसिप्रोकेटिव पंप का जो इंपेलर uh, है समटाइम्स इट एंड स्लिप इज बाय द थ्योरिटिकल डिस्चार्ज माइनस द एक्चुअल डिस्चार्ज राइट दैट इज वॉट द इट इज गिवेन बाय राइट सो अब आप मेरे को इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए इसका ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए स्लिप स्लिप का मतलब क्या होगा मैं यहां पे लिख देता हूं स्लिप इट इज इक्वल टू दैट इज गिवन बाय स्लिप इज गिवन बाय द एक्चुअल माइनस थ्योरिटिकल दैट इज गिवन बाय एक्चुअल डिस्चार्ज माइनस थ्योरिटिकल डिस्चार्ज अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इट बिकम्स नेगेटिव अब ये नेगेटिव कब होगा जब आपका एक्चुअल जो है कम हो जाएगा थ्योरिटिकल से सिंपल सी बात है ये नेगेटिव कम होगा आपका जब यह आपका जो है एक्चुअल कम हो जाएगा थियोरिटिकल ज्यादा हो जाएगा देन इट विल बी स्लिप विल बी नेगेटिव अब देख लीजिए आप इसका थ्योरिटिकल डिस्चार्ज इज मोर देन येस theoretical discharge is more than the actual discharge. So this will be the correct answer of this question. Right. I hope that you have got it. Yes friends. I hope that you have got it. Chaliye. Yes, correct. Next question is the specific speed of a centrifugal pump delivering 625 liters of water per second against a head of 16 meters at 800 rpm is so ns is equal to n square root of P h raised to the power 5 by 4. बस ध्यान रखना कि आप इसमें जो है एस आई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना सो वी नो दैट 1000 लीटर इज इक्वल टू वन मीटर क्यूब वी नो दैट अब बस आप जो है इसको एसआई SI यूनिट में कन्वर्ट करके और आप इसका आंसर निकाल दीजिए बताइए स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा एनी वन चलिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एन इज गिवन टू यंड्रेड आरपीएम एच इज गिवन टू यस सिक्सटीन मीटर्स And Q will be equal to 625 liters, which will be equal to 0 0.625 meter cube per second. So just put it in the formula, you will get the answer. Let me do it also. So ns will be equal to N N is will be equal to N N N is 800 multiplied by square root of P. Uh, P is how much power is how much? Power, 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 uh, power is how much? Central during 625 liters of water. सेकेंड सो सिक्स ट्वेंटी अगर आपको डिस्चार्ज दिए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो और अगर आपको पावर दिए आप ये वाला फॉर्मुला लगा सकते हो आप मर्जी आपको लगा दीजिए बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है सो आई विल यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव डिवाइडेड बाय एच रेस टू पावर थ्री बाई फोर हाउ मच इज दिसक्सटीन मीटर्स रेस टू दावर थ्री बाई फोर अप्लाई एनी फॉर्मूला वॉट एवर यू वॉन्ट आप कोई भी फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं सो द आंसर विल बी इक्वल टू एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट एंड डिवाइडेड टू स पावर थ्री बाई फोर इक्वल टू नियरलीरो My answer is coming out to be nearly, NS is coming out to be nearly 79.056 rpm revolutions per minute. The correct answer will be nearly 80 rpm. Nearly 80 rpm is the correct answer of this question. Yes, very good, Satish. Very good, Bikram. Bahut Paartka, bahut very good, very good. Sir, it is not turbine. Yes, correct, correct. It is a centrifugal pump. It is a centrifugal pump. For turbine, we have NS is equal to N square root of p raised to the power h raised to the power 5 by 4 and for a pump we have this equation for the pump right okay so students i hope that you have got the concept of lot of questions so we have part number one discussed we have discussed the part number two also and we have discussed the part number three also now in the next lecture we will be discussing some other chapter most probably we will be going with the estimation and costing in the next uh, लेक्चर, वी विल बी डिस्कसिंग द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग उसको फिनिश करेंगे आफ्टर दैट वी विल स्टार्टिंग विद मॉडल टेस्ट पेपर एस एस सी जे के लिए मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट सो बी रेडी फॉर दैट सो देन, थैंक यू एवरी वन अ नाइस डे एवरी वन एंड बिफोर साइनिंग ऑफ लेटमी अगेन टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन गो फॉर द टेस्ट बुक पास सो वी हैव वन पास फॉर मोर देन ंड्रेड प्लस कोर्सेसिंग एन एक्सेस टू सिक्स प्लस मॉक टेस्ट अलॉल सेलेक्शन एग्जाम अ गुड एग्जाम स्ट्रेटी एज वेल एक्सपर्ट गाइडेंस और गुड न्यूज ये है दट द टेस्ट बुक पास ओनली फॉर रुपीज सो यू कैन अवेल दिस ऑफर स्टूडेंट वी हैलरेडी स्टार्टेड विदेट सिविली टू लाइव कोचिंग इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड बिकॉज अभी काफी टाइम है तो आप तसली के साथ अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को गेट की तैयारी करनी चाहिए सो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के ऊपर जाकर के आप uh, इस कोर्स के बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एंड इट इज अ पेड कोर्स बट यू कैन एंटर द कूपन कोड वरुण एंड अ कैपिटल ऑफ के एंड यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट फ्लैट ऑफ अराउंड ट्वेंटी परसेंट सिमिलरली स्टूडेंस इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर द एस एस सी जी एग्जाम यू कैन डू द सेम थिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया होगा उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन गट द होल नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स इट इज ऑल्सो पेड कोर्स बाय द वे बट यू कैन एंटर माई कूपन कोड दैट इज वर्न एट अ कैपिटल ऑफ के टू गेट अ डिस्काउंट फ्लैट ऑफ अराउंड ट्वेंटी परसेंट

So that is all for today, dear students. Let us move in the next lecture. In the next lecture, we will be discussing about the estimation costing. So thank you, everyone. Have a nice day. Take care. Take care. Bye bye. Take care. Chali bye.